ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, राज्यसभा में एमएसपी पर कमेटी का मुद्दा उठा है। बड़ी जानकारी, संसद में कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर की ओर से जवाब दिया गया है। कमेटी गठन पर सरकार ने ईसी को लिखा था पत्र। विधानसभा चुनाव के बाद कमेटी का ऐलान होगा। नरेंद्र सिंह तोमर की ओर से बड़ी जानकारी दी गई है। किसानों के हित के लिए प्रतिबद्ध है सरकार, नरेंद्र तोमर ने दोहराया। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, राज्यसभा में एमएसपी पर कमेटी गठन का मुद्दा उठा और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की ओर से जानकारी दी गई है कि विधानसभा चुनावों के बाद एमएसपी पर कमेटी का ऐलान किया जाएगा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर एमएसपी पर कमेटी को लेकर लगातार किसानों की ओर से, संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया गया बीते दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। वहीं अब नरेंद्र सिंह तोमर ने संसद में इस बात को लेकर जवाब दिया है, जानकारी दी है। विधानसभा चुनावों के बाद एमएसपी पर कमेटी का गठन होगा, ऐलान किया जाएगा। कमेटी गठन पर सरकार ने इलेक्शन कमीशन को पत्र लिखा था और विधानसभा चुनाव के बाद कमेटी का ऐलान किया जाएगा। तो बड़ी और अहम जानकारी बता दें आपको, किसानों के लिए प्रतिबद्ध है सरकार, नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर दोहराया। बड़ी और अहम जानकारी, एमएसपी पर कमेटी का मुद्दा लगातार गरमाया हुआ है। किसानों की ओर से सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। हालांकि इन सबके बीच जानकारी दी गई है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की ओर से और बताया गया है कि विधानसभा चुनावों के बाद एमएसपी पर जो कमेटी बनाई जानी है उसका ऐलान किया जाएगा। राज्यसभा में एमएसपी पर कमेटी गठन का मुद्दा उठा है और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने जानकारी दी है। और हमारे साथ आंदोलनकारी नेता और किसान नेता अभिमन्यु कोहाट जी जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका। लगातार आपकी ओर से और संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से ये आरोप लगाए गए आंदोलन की समाप्ति के बाद कि सरकार वादा खिलाफी कर रही है, जो मांगे मानी गई थी उनको पूरा नहीं किया जा रहा। हालांकि नरेंद्र सिंह तोमर की ओर से ये जानकारी दी गई है कि विधानसभा चुनावों के बाद कमेटी गठित की जाएगी, उसका ऐलान किया जाएगा, किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि एमएसपी कमेटी बनाने का और विधानसभा चुनावों का आपस में क्या तालमेल है। ये तो दोनों अलग अलग विषय है। हम संयुक्त किसान मोर्चा एक गैर राजनीतिक संगठन है, संयुक्त किसान मोर्चा कोई चुनाव नहीं लड़ रहा है। तो जो 11 दिसंबर को जब हमने आंदोलन स्थगित किया था, तो अब तक तो ये एमएसपी की कमेटी बनाने का काम हो जाना चाहिए था और वो एमएसपी की कमेटी, उसका काम शुरू हो जाना चाहिए था। बनने के बाद जो उसका कार्य है, वो कार्य उसका शुरू हो जाना चाहिए था। लेकिन अब इन्होंने ये ला दिया कि भाई हम विधानसभा चुनावों के बात करेंगे। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि सरकार विधानसभा चुनावों और एमएसपी कमेटी को आपस में क्यों जोड़ के देख रही है। इससे सरकार की मंशा पे कहीं ना कहीं गंभीर सवाल खड़े होते हैं और इसे लगता है कि सरकार इश्यूज को एड्रेस करने की बजाय सरकार बेवजह लेट लतीफी करके मुद्दे को पिछले धकेलना चाहती है। सरकार की सोच ये है, देखिए जैसे अब की बार बजट में 2022 आ गया था, तो अब की बार जो नारा इन्होंने 6 साल पहले दिया था कि 2022 तक आय दोगुनी करेंगे, तो उसका ये जवाब देने का समय आया था कि वो आय दोगुनी हुई या नहीं हुई। तो अब की बार नया जुमला दे दिया कि हम छोटे किसानों का भला करेंगे। अरे भाई, जो आपने वादे किए हैं पहले आप उनका तो जवाब दीजिए ना। आप जो आपने कमेटी बनाने का वादा किया था, आप ये बताइए आपने कमेटी बनाई या नहीं बनाई। आपने वादा किया था 2022 तक आय दोगुनी कर देंगे, वो आय दोगुनी हुई या नहीं हुई, आप ये बताइए। बेवजह मुद्दों से भटकाने का प्रयास सरकार को नहीं करना चाहिए, वो सरकार को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्या लगता है सर आपको, क्यों देरी की जा रही है कमेटी को लेकर, इसको किस तरह से देखते हैं? जैसा आप बता रहे हैं कि दोनों में कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी समय गुजारा जा रहा है, क्यों आपको ऐसा लगता है? उसका कारण ये है कि सरकार किसानों के, नौजवानों के इश्यूज को लेकर गंभीर नहीं है। और इस सरकार का ये पिछले 7 साल के कार्यकाल में हमने ये देखा है। चाहे आप 2014 से शुरू करेंगे, तो 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने का वादा किया था, 2015 में उसको एफिडेविट किया सुप्रीम कोर्ट में कि हम ये रिपोर्ट लागू हम नहीं कर सकते। किसानों की जमीन छीनने के लिए ये भूमि अधिग्रहण अध्यादेश लेके आए 2014 में, जो राज्यसभा में मेजोरिटी ना होने के कारण इनका गिर गया था।
तो उसके बाद इन्होंने कहा कि जिस राज्य में भाजपा की सरकार है राज्य सरकारों के माध्यम से पास किया जाए, तो पिछले वर्ष हरियाणा की सरकार ने विधानसभा में उसको पास कर दिया जो मूल तौर पे किसान विरोधी है। तो इस सरकार का जो चाल और चरित्र है वो दोनों की दोनों मूल तौर पे किसान विरोधी है। और एक बात हम और स्पष्ट कर दें, ये सत्ता से या पार्टी से बड़ा सवाल जो सत्ता का हमारा स्ट्रक्चर है उससे है। पहले वाली पार्टियों ने भी कुछ ऐसा नहीं था कि उन्होंने किसानों को कोई ज्यादा भला कर दिया। भाई स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट ना कांग्रेस ने लागू करी ना बीजेपी ने लागू करी। तो इनके तमाम पार्टियों के चाल और चरित्र में थोड़ा ही फर्क है। लेकिन यहाँ मेरा एक सवाल और यहाँ पर है कि जिस तरह से एमएसपी को लेकर अब भले ही सरकार इस बात को कह रही है कि विधानसभा चुनावों के बाद कमेटी का गठन किया जाएगा, ऐलान उस बात की जानकारी दी जाएगी, हालांकि एसकेएम की ओर से बीते दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और ये आरोप लगाया गया था कि किसी भी मांग को स्वीकार नहीं किया गया है, पूरा नहीं किया गया और उस पर काम जिस तरह से होना चाहिए था वैसा नहीं हो रहा। इसके साथ ही साथ एसकेएम ने मिशन उत्तर प्रदेश की शुरुआत की थी वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए। एमएसपी पर कमेटी का गठन करने का ऐलान किया गया है केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर की ओर से, तो क्या समझा जाए आपकी ओर से जो जितने भी मिशन शुरू किए गए हैं, जितने भी आरोप लगाए गए हैं उसी तरह से वो जारी रहेंगे आगे भी? नहीं, हमारा मिशन यूपी बिल्कुल जारी रहेगा, उसकी हम घोषणा कर चुके हैं बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। और सरकार यदि सरकार गंभीर होती तो सरकार अब तक वो कार्य कर चुकी होती। अभी तो अजय मिश्रा टैनी की भी गिरफ्तारी होनी चाहिए, हमारी मांग ये भी है अजय मिश्रा टैनी की बर्खास्तगी होनी चाहिए। वो 120 बी के आरोपी हैं, वो उन्होंने स्वयं ये कहा था कि यदि उनके बेटे की मौजूदगी वहां मिलती है तो वो पद छोड़ देंगे। अब एसआईटी ने अपनी जांच में बता दिया कि वो वहां मौजूद थे और उनके बेटे सलाखों के पीछे है, तो अजय टैनी की बर्खास्तगी क्यों नहीं हो रही है? ये तमाम ऐसे इश्यूज हैं, गन्ना की पेमेंट क्यों नहीं हो रही है यूपी के अंदर? पहले 2017 के चुनाव से पहले बीजेपी ने वादा किया था कि तमाम किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा यूपी में, लेकिन मात्र 44 लाख किसानों का 1-1 लाख रुपया कर्ज माफ हुआ। तमाम किसानों का, संपूर्ण किसानों का कर्ज माफ क्यों नहीं हुआ? गन्ने की पेमेंट 14 दिनों में होनी थी, इनका ये वादा था कि 14 दिनों में पेमेंट नहीं हुई तो ब्याज मिलेगा किसानों को। ब्याज की तो छोड़ दीजिए, यहाँ पे मूल भी नहीं मिल रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश है इस विषय में कि 14 दिनों में पेमेंट अगर नहीं करेंगे तो आपको ब्याज देना पड़ेगा। बिल्कुल अभिमन्यु कुहार जी, तमाम आरोप अभी आपकी ओर से भी लगातार लगाए जा रहे हैं, बीजेपी का पक्ष क्या है, सत्ता पक्ष का पक्ष क्या है इस पूरे मसले को लेकर वो भी जान लेते हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण अत्रे जी जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका इस चर्चा में। धन्यवाद। संसद में जानकारी दी गई है केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की ओर से कि विधानसभा चुनावों के बाद एमएसपी पर कमेटी का गठन होगा, ऐलान किया जाएगा, लेकिन सवाल यह है कि इतना वक्त क्यों गुजर रहा है? कुछ इसी तरह के सवाल अभिमन्यु कुहार जी ने भी आपसे पहले ये उठाए इस चर्चा की शुरुआत में। देखिए, ऐसा मैं सुन रहा था, अभिमन्यु कुहार जी बोल रहे थे कि यूपी के अंदर 44 लाख किसानों का 1-1 लाख रुपए का कर्जा माफ हुआ है। मैं इनसे एक सवाल ये पूछने वाला था कि जब राहुल गांधी ने राजस्थान में घोषणा की थी कि 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, उनसे सवाल आज तक पूछा अभिमन्यु कुहार ने कि राहुल जी आपने क्यों नहीं किया? मध्य प्रदेश में राहुल जी जब जाके बोल के आए थे 10 दिन में माफ कर देंगे, क्या भी सवाल किया उनसे कि क्यों नहीं माफ किया? पंजाब में कांग्रेस ने चुनाव के दौरान वायदा किया था किसानों से, कभी पूछा कि आपने क्यों नहीं माफ किया? ये एक तरफा बात क्यों? और उस पार्टी से सवाल जो पार्टी अपनी घोषणा को पूर्ण कर चुकी, उससे सवाल के साथ आपने केवल 44 लाख का किया, बाकी का नहीं किया? देखिए किस तरह से इनकी सोच केवल पूरी तरह से एक तरफा राजनीति। आप अगर सवाल कर रहे हैं तो आप उन सभी से सवाल पूछिए और फिर विश्लेषण कीजिए कि किस पार्टी ने अपने वायदे को पूरा किया और किसने नहीं किया। रही बात के साथ आपने कहा जैसे एमएसपी के ऊपर कमेटी के गठन, सरकार ने कहा कि हम एमएसपी के लिए कमेटी का गठन करेंगे। पहला विषय ये आता है कि जब से मोदी जी देश में प्रधानमंत्री बने, किसान की एमएसपी में लगातार बढ़ोतरी हुई, ये हम सब देख रहे हैं जी। किसान के एमएसपी पे सरकार के द्वारा खर्च किया जाने वाला रुपया, उसके अंदर बढ़ोतरी की गई, ये भी हमने देखा। अब विषय ये आ गया कि उसको कानूनी अमली जामा पहनाया जाए या ना पहनाया जाए, तो उसके लिए कमेटी के गठन की बात थी। जब कमेटी का गठन होगा उसमें किसान प्रतिनिधि भी रहेंगे, तो विषय ये है कि जब आप जो लोग कमेटी में रहेंगे उन लोगों का चुनाव, अगर उसके लिए कृषि मंत्री पार्लियामेंट के पटल पे ये बात कहते हैं कि विधानसभा चुनाव के बाद कमेटी का गठन हो जाएगा, तो क्या इस पे भी अपराध होगा? किस तरह की राजनीति, किस तरह की आलोचना है ये? जी बिल्कुल। लेकिन आप प्रवीण अत्रे जी, किसानों की ओर से सवाल ये लगातार उठाए जाते रहे हैं,
सत्ता पक्ष हालांकि इस बात पर जरूर दोहराता रहा है कि किसानों के कल्याण के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। कुछ इसी तरह की बात तोमर जी की ओर से भी की गई आज संसद में। हालांकि किसानों की ओर से मिशन उत्तर प्रदेश शुरू किया गया है और सरकार पर यह आरोप लगाए गए हैं वादा खिलाफी के, इस पर आपका एक छोटा सा जवाब। देखिए, जहां तक मिशन उत्तर प्रदेश की बात है, वो किसानों की तरफ से नहीं किया गया जी, वो कुछ किसान नेताओं की तरफ से, कुछ किसान संगठनों की तरफ से किया गया, किसान की तरफ से नहीं किया गया। देश का किसान बेहतर जानता है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का वायदा किसानों के साथ था, लगभग 20 योजनाएं मैं यहाँ पे आपके चैनल पे गिनवा सकता हूँ जो मोदी जी ने सत्ता में आते ही किसान हित में बनाई। मेरे छोटा सा सवाल है इन मित्रों से, देश को आजाद हुए लगभग 70 साल हो गए, किसी के मन में पहले ये विचार क्यों नहीं आया कि किसान को कुछ पैसा सरकार की तरफ से दिया जाना चाहिए? ये विचार मोदी जी के दिमाग में क्यों आया जो किसान सम्मान निधि शुरू हुई, किसान मानधन योजना के रूप में ये योजना पहले किसी के दिमाग में क्यों नहीं आई कि किसान को पेंशन मिलना चाहिए? पहले किसी ने क्यों नहीं इस बात को सोचा कि किसान जो इंप्लीमेंट यूज करता है उसके ऊपर सब्सिडी बढ़ानी चाहिए जी। किसी ने पहले क्यों नहीं सोचा कि ड्रिप इरिगेशन, पानी हमारी बहुत बड़ी समस्या है, आपको पता है पानी का जो हमारा चो है नीचे जा रहा है, तो ड्रिप इरिगेशन को बढ़ावा देना चाहिए, उसके लिए 85% सब्सिडी के साथ। बिल्कुल प्रवीण अत्रे जी, तो एक बड़ा ऐलान किया गया है संसद में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की ओर से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और कुहार जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए और जानकारी के लिए।